ऑनलाइन सेल्स ने लोगों की शॉपिंग का तरीका बदल दिया है। जहां पहले लोग ऑफलाइन मार्केट में जाकर कोई सामान खरीदते थे, अब पेमेंट से लेकर शॉपिंग तक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। यहां तक कि जो लोग किसी सामान को खरीदने से पहले उसको हर तरफ से चेक करते थे, वो लोग भी आज ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर मिलने वाला डिस्काउंट। आईफोन की ही बात करें तो भैया फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर 50,000 रुपये से कम में भी आईफोन 13 मिल रहा है, जबकि मार्केट में ये लगभग 70,000 का मिल रहा है। सवाल ये है कि अब कंपनियां कहां से प्रोडक्ट लाती हैं और इतनी कीमत पर कैसे कम पर बेच पाती हैं। इतने कम कीमत पर कोई प्रोडक्ट बेचकर इन्हें मुनाफा कैसे होता है, तो चलिए जानते हैं क्या है पूरे प्रोसेस का बिजनेस कॉन्सेप्ट। एमएसएमई को बढ़ावा देकर अमेजोन और फ्लिपकार्ट सस्ते में ज़्यादा सामान बेच पाते हैं। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी वजह से ई मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट्स सस्ते में मिलते हैं। दोनों ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स सस्ते में सामान बेचने के लिए लोकल बिजनेस ओनर्स और दूसरे एमएसएमई से संपर्क करते हैं। हाल में ही अमेज़न ने बताया था कि करोड़ों कंज्यूमर्स एमएसएमई और लोकल बिजनेस के प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं। किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ प्रोडक्ट्स की कीमत अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ज़्यादा होती है। फिर सवाल आता है कि ये कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सस्ते में क्यों बेच रही है। इसकी वजह ज़्यादा सामान बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाना। यहाँ अपने मार्जिन को कम करके ब्रांड्स ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाते हैं। दूसरा, अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर उन्हें एक बड़ा कंज्यूमर्स का समूह मिल जाता है। इस तरह के हर प्रोडक्ट पर ब्रांड्स का मुनाफा भले ही कम हो, लेकिन उनका ओवरऑल प्रॉफिट्स सेल बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। चूंकि हर सेल में किसी न किसी बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिलता है, इसका फ़ायदा भी कंपनियों को मिलता है। दरअसल सेल में जो प्राइजेज शो किया जाता है वो सभी डिस्काउंट के बाद का होता है। इसमें बैंक ऑफर भी शामिल होता है। इसकी वजह से कंपनियां सस्ते में अपना सामान बेच पाती हैं। तो भैया आज से आप भी ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए।